एंटी सोशल एक्टिविटीज सच एन इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी और बिहेवियर विच इज अगेंस्ट रूल्स प्रपोज बाई लॉज इन द सोसाइटी इज कॉल्ड एंटी सोशल एक्टिविटी। कोई भी ऐसी गतिविधि चाहे इंडिविजुअल के द्वारा हो, ग्रुप के द्वारा हो, या कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि रूल्स के खिलाफ है, जैसा कि कानून में बनाया गया है सोसाइटी के अंदर, उसको कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटी। जो समाज में कायदे कानून चल रहे हैं उससे अलग हटके आप करते हैं तो वो एंटी सोशल एक्टिविटी मानी जाती है। वी ऑफन सी सम क्रिमिनल और एंटी सोशल और रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज इन द सोसाइटी लाइक मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, रॉबरी, चीटिंग, ट्रिकरी और साइबर क्राइम विच आर कॉल्ड ब्लू कॉलर क्राइम्स। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं या ऐसी एंटी सोशल या रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं समाज के अंदर, जैसे ये सब दी गई हैं, मर्डर करना, चोरी करना, किडनैप कर लेना, लूट लेना, धोखा देना, चाल चलना, या फिर साइबर क्राइम जो हैं, ये सब ब्लू कॉलर क्राइम्स कही गई हैं। ऑन द अदर साइड व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। अब इस ये तो ब्लू कॉलर हैं, इसी तरह से व्हाइट कॉलर क्राइम्स भी हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे ब्राइबरी हो गई, आप किसी से वो ले रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं, करप्शन हो गया, टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, होर्डिंग, जमाखोरी कर रहे हैं, इसी तरह से एडल्ट्रेशन करना, लैंड एनक्रोचमेंट करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, ये सब जो हैं क्या कहते हैं चीज़ें, एक तरह से वाइट कॉलर क्राइम है। करप्शन, करप्शन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब करप्शन भी जो है एक तरह से ग्लोबल प्रॉब्लम है। According to the definition given by the World Bank, corruption means the misuse of public position for personal benefit. Corruption का मतलब क्या हुआ? World Bank ने जो definition दी उसके अनुसार कि जो भी public की position दी गई है पर वो उसका misuse करना अपने खुद के फायदे के लिए। Thus corruption originates due to misuse of status and power by the people. Corruption कहाँ से निकलता है, उसका जन्म कैसे होता है? क्योंकि हमें जो status दिया गया है, हमें जो पावर दी गई है लोगों द्वारा, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। करप्शन इज प्रिवेलेंट इन सम ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। करप्शन आपको किस किस जगह देखने को मिल जाएगा? कुछ हमारे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स हैं इंडियन में सोसाइटी में जहाँ पर आपको करप्शन देखने को मिलेगा। पीपल इन्वॉल्व इन करप्शन, द गिवर एंड द टेकर बोथ आर गिल्टी एंड वर्दी टू बी पनिश्ड। अब जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, चाहे लेने वाला हो चाहे देने वाला, दोनों ही गिल्टी है और दोनों को ही पनिशमेंट मिलना चाहिए। स्टेप्स टू कर्ब करप्शन, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू कर्ब करप्शन। अब करप्शन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सेंट्रल एंटी ब्राइबरी ब्यूरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। सेंट्रल एंटी ब्राइबरी ब्यूरो जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में। इट्स चीफ फंक्शन वाज टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल हु आर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। मुख्य फंक्शन इसका क्या था कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके खिलाफ आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है अगर उसके ऊपर इल्जाम लगा है या उसके ऊपर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, कि वो करप्शन में इन्वॉल्व्ड है। करप्ट पीपल आर कॉट बाय इट रेड हैंडेड एंड आर पनिश्ड बाय देम। उससे क्या है, करप्ट लोग जो है वो एकदम से रंगे हाथों पकड़े जाते थे और उनको फिर सजा मिलती है। दिस इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। इट्स हेडक्वार्टर इज इन शाहीबाग अहमदाबाद। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शाहीबाग अहमदाबाद में है। इफ कॉमन पीपल हैव एनी करप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम दे मे कॉल ऑन द हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-2334-4444। तो अगर किसी भी आम इंसान को करप्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर जो कि टोल फ्री है इसको कॉल कर सकता है। दूसरा है करप्शन, टू स्टॉप करप्शन इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड एंटी करप्शन एक्ट 1988। अब करप्शन को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एंटी करप्शन एक्ट निकाला है 1988 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्लीन पब्लिक लाइफ एंड टू स्टॉप मिसयूज ऑफ पोजीशन और पावर। साफ सुथरी एक जिंदगी जिए इंसान और अपनी पोजीशन और पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी पब्लिक सर्वेंट, हाई ऑफिशियल, पॉलिटिशियन टू डिक्लेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टी बिफोर एज्यूमिंग एन द पोस्ट। सबसे ज्यादा कंपलसरी करा गया पब्लिक सर्वेंट के लिए, किसी भी हाई ऑफिशियल पॉलिटिशियन के लिए, कि वो इंफॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको वो पहले ओपन करे, ताकि जब वो प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे उसके बाद ही वो जो है किसी पोस्ट को एक्वायर करे या हासिल करे। इफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज मोर देन हिज एप्रोप्रिएट इनकम ड्यूरिंग हिज वर्क टेन्योर, इट इज कंसिडर्ड
एज एन ऑफेंस एंड पनिशमेंट मे बी अनाउंस्ड फॉर हिम। अब आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पर आपको जो तनख्वाह मिलती है, बाई चांस आपकी इनकम या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी उस वर्किंग पीरियड के दौरान जो कमाया गया पैसा है उससे ज्यादा है, तो फिर ये एक क्राइम माना जाता है और इसके लिए फिर पनिशमेंट मिलता है। इन सच केसेस गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट सच प्रॉपर्टी। ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी को जब्त भी कर सकती है। फिर तीसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। 2005 एंड सिटीजंस चार्टर हैव बीन इशूड विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव टू प्रॉमिस टू कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड बाय एलिमिनेटिंग डिले इन देयर ओन वर्किंग एरिया एंड द वर्क अंडर देयर पावर एंड टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल। जो सिटीजंस चार्टर है उस जो इशू किया गया है उसकी मदद से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये प्रॉमिस करना होगा कि वो अपना काम जो है, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क है, उसको गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट करेंगे बिना किसी देरी किए अपने खुद के वर्किंग एरिया में या जो काम उनके पावर के अंडर आया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सिंपल तरीके से हो सके। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड ब्लैक मनी एक्ट 2005 इन विच करप्शन इज रिगार्डेड एज क्राइम। अभी हाल ही में 2005 में ब्लैक मनी एक्ट लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें करप्शन जो है वो एक क्राइम की तरह है। अदर देन दिस चेंजेस हैव बीन मेड इन FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एज वेल एज इन सेक्शन 132 ऑफ कस्टम एक्ट। इसके अलावा और भी बदलाव किए गए FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में और साथ ही साथ सेक्शन 132 ऑफ कस्टम एक्ट में। Efforts have been made to curb corruption and find black money by appointing Lokpal and Lokayukt in each state. कोशिशें की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा करप्शन को रोका जा सके और जो भी ब्लैक मनी है उसे ढूंढा जा सके। इसके लिए लोकपाल और लोकायुक्त जो है हर स्टेट में अपॉइंट किए गए हैं। गुजरात विजिलेंस कमीशन गांधीनगर had undertaken departmental investigation for the corruption and misuse of power by government officials. इसके अलावा गुजरात विजिलेंस कमीशन गांधीनगर जो है वो डिपार्टमेंट वाइज इन्वेस्टिगेट कर रही है करप्शन को लेकर, और किसी ने अगर अपने पावर का मिसयूज किया है खासतौर से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा तो उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ऑन 15 जून 2005 सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इनएक्टेड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 15 जून 2005 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसको लागू किया। इट इज अप्लाइड टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ये सब पे लागू होता है सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सीक्रेट सर्विसेज ऑफ द कंट्री, इंस्टीट्यूशंस डीलिंग विद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इंस्टीट्यूशंस प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड फॉरेन एम्बेसडर्स ऑफिस। ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पर हमारी कंट्री के सीक्रेट सर्विसेज हैं वहाँ, वो इंस्टीट्यूशंस जो सिक्योरिटी और सेफ्टी से डील करते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं, और साथ ही साथ फॉरेन एम्बेसडर्स ऑफिस में ये नहीं लागू होता। ऑन 5th अक्टूबर 2005 अकॉर्डिंग टू द अबव लेजिस्लेशन प्रोविजंस गुजरात गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड द रूल्स रिगार्डिंग गुजरात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। 5th अक्टूबर 2005 को जितने भी ये लेजिस्लेटिव प्रावधान किए गए उसके अकॉर्डिंग गुजरात गवर्नमेंट ने इन सभी रूल्स को लागू किया जो गुजरात का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है उसके अनुसार। द बेस ऑफ दिस लेजिस्लेटिव हैज बीन टू एक्वायर ट्रांसपेरेंट क्लीन एंड सिंपल एंड क्विक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस एंड टू सी पब्लिक कोऑपरेशन इन इट। ये जो लेजिस्लेटिव है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी, साफ, बिल्कुल सीधा साधा और जल्द होने वाले ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को किया जाए ताकि पब्लिक का भी इसमें कोऑपरेशन मिल सके या इसमें पब्लिक कोऑपरेशन भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस लेजिस्लेटिव एंड एनी सिटीजन मेड अप्रोच हायर ऑफिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट एंड आस्क क्वेश्चंस टू गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पेंडिंग वर्क और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स और फॉर सक्सेस और स्टेटस ऑफ पब्लिक ओरिएंटेड वर्क। इस प्रावधान के अनुसार कोई भी नागरिक जो है वो हायर ऑफिशियल को अप्रोच कर सकता है डिपार्टमेंट के, उससे सवाल पूछ सकता है, प्रॉपर जानकारी हासिल कर सकता है जो पेंडिंग वर्क है उसके बारे में या किसी स्कीम के लागू होने के बारे में या फिर कोई भी जो पब्लिक से रिलेटेड वर्क है उसके सक्सेस हो के या उसके स्टेटस के बारे में। हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज पर दिस राइट एप्लीकेंट हैज टू पे फिक्स्ड फी इन
Cash or postal order or pay order or non-judicial stamp along with application format in order to get information. इस अधिकार के हिसाब से जो भी जानकारी हासिल करना चाहता है उसको एक फिक्स्ड फी पे करनी होगी 20 रुपए की, आइदर कैश में या पोस्टल ऑर्डर या पे ऑर्डर या फिर नॉन जुडिशियल के स्टैम्प के माध्यम से, जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा उस इंफॉर्मेशन के तहत. दिस एप्लीकेशन में बी सेल्फ साइंड टाइप्ड और इन द फॉर्म ऑफ ईमेल टू द कंसर्न डिपार्टमेंट. और ये जो एप्लीकेशन कार्ड साइन करोगे या एप्लीकेशन दोगे, इसमें आप खुद भी साइन कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, ईमेल की फॉर्म में हो सकती है, और ये होगी जिस संबंधित डिपार्टमेंट की आप जानकारी चाहते हो. पर्सन फ्रॉम द फैमिली इंक्लूडेड इन द बीपीएल लिस्ट डजंट हैव टू पे एनी फी और चार्ज फॉर कॉपी. वो इंसान जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लिस्ट के अंतर्गत आते हैं, परिवार आते हैं, उसमें से किसी का भी सदस्य जो है उसको फीस या चार्ज देने की जरूरत नहीं है कॉपी की. देयर इज नो नीड टू मेंशन व्हाई इंफॉर्मेशन हैज बीन आस्क्ड फॉर. इवन ये तक जो है लिखना नहीं जरूरी है कि आप जानकारी क्यों चाहते हैं. कंसर्न असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी APIO गिव्स अ कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिसीव्ड एप्लीकेशन टू द एप्लीकेंट आफ्टर पुटिंग सीरियल नंबर इन द एप्लीकेशन. अब जो भी संबंधित असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा वो आपको एक रिसिप्ट देगा, उसकी कॉपी देगा कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, और उसके बाद उसमें एक सीरियल नंबर डाल देगा एप्लीकेशन पे. After that, whatever correspondence has to be made regarding application ID number was to be mentioned in that. इसके बाद जो भी correspondence होनी है application से related, उसमें ID number जो है mention कर दिया जाएगा. APIO will give direction within 30 days of accepting application for acquiring information. अब APIO जो है वो दिशा निर्देश देंगे 30 दिन के अंदर जिन्होंने application accept करी है information जानकार करने के लिए. If any copy is demanded by the applicant, then it could be obtained by paying fixed fee or charge decided according to the legislature. अगर कोई कॉपी की डिमांड करी जाती है एप्लीकेंट के द्वारा, तो फिर आप उसको एक फिक्स्ड फी या चार्ज देकर हासिल कर सकते हैं, जैसा कि लेजिस्लेटिव ने तय किया है. AIPO may refuse to give information as per legislature. अब ये जो एडिशनल ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑफिसर है, ये मना भी कर सकता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसा लेजिस्लेटिव के हिसाब से है. इफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री और इन्फ्लुएंसेस नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी or is related to secret issues or lead to the contempt of court or is in connection with scientific secrets or promotes crime there. अब ये कम मना कर सकता है कि अगर आप जो जानकारी हासिल करना चाह रहे हो उससे हमारी कंट्री की सोवरेनिटी पे खतरा आता है, या हमारे नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को प्रभावित करती है, या हमारे सीक्रेट इश्यूज से रिलेटेड है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित है, या फिर किसी साइंटिफिक सीक्रेट से कनेक्टेड है, या फिर क्राइम को प्रमोट करने के लिए है, तो ऐसे में ये ऑफिसर जो है मना भी कर सकते हैं. प्रोविजंस फॉर अपील. इफ द कंसर्न डिपार्टमेंट डज नॉट एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज और रिफ्यूजेस टू गिव द इंफॉर्मेशन, देन ऑफेंडेड एप्लीकेंट मे अपील टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विद इन 30 डेज ऑफ रिजेक्शन. अब बाई चांस अगर कंसर्न डिपार्टमेंट जो है इंफॉर्मेशन नहीं देता है 30 दिन के अंदर, या मना कर देता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो फिर ये जो एप्लीकेंट है ये अपील कर सकता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिन के अंदर जो रिजेक्शन हुआ है उसमें. फॉर दिस एप्लीकेंट डजंट हैव स्टिपुलेटेड टू पे एनी फी. अब इसके लिए एप्लीकेंट को कोई फी देने की जरूरत नहीं है. If within the stipulated time period the decision of the first appeal does not come or the applicant is refused to be given required information, the offended applicant may make a second appeal to the state chief information officer within 90 days. अब जो सीमित टाइम तय किया गया है, निर्धारित टाइम है, उसके अंदर जो डिसीशन है फर्स्ट अपील का वो नहीं आता, या एप्लीकेंट को जो है वो मना कर दिया जाता है इंफॉर्मेशन देने से, तो ऐसे में एप्लीकेंट जो है फिर एक सेकेंड अपील कर सकता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 90 दिन के अंदर. प्रोविजंस फॉर फाइन. इफ एनी इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिफ्यूजेस टू गिव इंफॉर्मेशन विदाउट गिविंग रीजनेबल ग्राउंड्स और हाइड्स इंफॉर्मेशन विद इल इंटेंशन और इंटेंशनली गिव्स इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रॉयज इंफॉर्मेशन, द कंसर्न इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज फाइंड फिक्स चार्जेस पर डे फॉर डिले इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मना करता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए बिना किसी ठोस
रीजन के या इन्फॉर्मेशन छिपाता है बुरी नीयत से या जानबूझ के गलत या सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जो गुमराह करने वाली इन्फॉर्मेशन है वो देता है, उन इन्फॉर्मेशन को ख़राब कर देता है, तो ऐसे जो कंसर्न इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होंगे उनके ऊपर पे फाइन लगता है। फिक्स चार्जेस होते हैं पर डे उनको देने होंगे जो डिले किया है इन्फॉर्मेशन देने में उसके वजह से। फॉर एनी क्वायरी स्पेशल इन्फॉर्मेशन गाइडेंस रिलेटेड टू द यूज ऑफ द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट फर्स्ट टाइम इन द कंट्री हेल्पलाइन नंबर 9924085000 हैज बीन स्टार्टेड व्हिच हेल्प्स अस ऑल द डेज इन वर्किंग आवर्स एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। किसी भी क्वेरी के लिए, खास तरह की जानकारी हासिल करने के लिए, गाइडेंस करने के लेने के लिए या जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड हो उससे, इसके इस्तेमाल से संबंधित, तो पहली बार कंट्री में एक हेल्पलाइन नंबर जो है ये स्टार्ट किया गया है जो पूरे दिन मदद करता है वर्किंग आवर्स में सिवाय पब्लिक हॉलीडेज के। In addition to this, civil right letter has been declared due to which a deadline is fixed for the solution in the concerned offices with the help of which status of the applicant may be inquired. इसके अलावा एक सिविल राइट लेटर जो है उसको भी डिक्लेयर किया गया है जिसके अनुसार एक डेडलाइन फिक्स कर दी जाती है कि इतने टाइम तक सॉल्यूशन हो जाना चाहिए जो भी कंसर्न ऑफिस है उसके उनमें। उसकी मदद से जो स्टेटस है एप्लीकेशन का वो भी उसकी जानकारी हासिल करी जा सकती है। द गुजरात गवर्नमेंट स्टार्टेड कॉमन सर्विस पोर्टल ऑन विच अ सिटीजन में अप्लाई ऑनलाइन वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर अबाउट 28 सर्विसेज and may inquire the status of application 24/7 hours. Gujarat government ने भी एक common service portal start किया है जिसमें citizen जो है वो online apply कर सकते हैं, अपने documents को verify कर सकते हैं, payment कर सकते हैं लगभग 28 services के लिए, या inquire कर सकते हैं उनके application status को 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटे। This act is a revolutionary step to put off corruption. और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए।